यशराज फिल्म की मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन फ्रेंचाइज धूम के पार्ट 4 को लेकर काफी टाइम से खबरें सामने आ रही हैं। इस फिल्म में विलन का रोल निभाने के लिए ना जाने कितने एक्टर्स के नाम सामने आए, जिसमें पहले शाहरुख खान का नाम सामने आया, फिर खबर आई कि फिल्म में सलमान खान विलन का रोल निभाते नजर आ सकते हैं, तो कभी अक्षय कुमार के नाम की चर्चा हुई। लेकिन अब धूम 4 को लेकर एक ऐसी नई और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि धूम 4 इस बार एकदम हटके फिल्म होने वाली है, क्योंकि अब पार्ट 4 में विलन कोई हीरो नहीं बल्कि हीरोइन बनेगी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि धूम सीरीज की पहली फिल्म में जॉन इब्राहिम विलन बने, दूसरी में ऋतिक रोशन और तीसरी में आमिर खान, और अब ताजा खबर है कि इस बार फिल्म में फीमेल विलन लाने की तैयारी है। दरअसल जानी मानी न्यूज पोर्टल पीपिंग मून की एक रिपोर्ट की माने तो धूम 4 में इस बार दीपिका पादुकोण विलन हो सकती हैं, और प्रोडक्शन हाउस इस बारे में उनसे बातचीत भी कर रहा है। वैसे पता तो ये भी चला है कि दीपिका भी धूम 4 में विलन का किरदार निभाने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन फिलहाल इस फिल्म को साइन करने के लिए पहले उन्हें अपनी डेट्स निकालनी पड़ेंगी। वैसे आपको बता दें कि दीपिका पहले ही यशराज के साथ शाहरुख खान की लीड रोल वाली फिल्म पठान साइन कर चुकी हैं, जिसकी अभी शूटिंग चल रही है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण शकुन बत्रा के डायरेक्शन में बन रही एक और फिल्म में काम कर रही हैं, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे लीड रोल में होंगे। साथ ही खबर है कि दीपिका ने प्रभास के साथ भी एक फिल्म साइन कर ली है। लेकिन अगर धूम की बात करें तो ऐसा पहली बार होगा कि धूम की किसी फ्रेंचाइज में विलन कोई एक्ट्रेस होगी। वैसे ये यशराज फिल्म्स के लिए भी एक नया और अलग कॉन्सेप्ट होगा, और ऑडियंस के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि धूम 2 में ऐश्वर्या राय नॉट सो ग्रेट शेड अवतार में नजर आई थी। इस फिल्म में वो पहले फिल्म के विलन ऋतिक रोशन का साथ देती हैं, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि वो पुलिस की तरफ से हैं, मगर फिर क्लाइमेक्स में ऐश ऋतिक के साथ हो जाती हैं, इसलिए ऐश का किरदार ना नेगेटिव था ना पॉजिटिव। लिहाजा धूम 4 में अगर दीपिका नजर आती हैं तो उन्हें एक प्रॉपर विलन के रूप में देखना उनके फैंस के लिए भी नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस होगा। खैर, देखते हैं कि दीपिका धूम 4 के लिए अपनी हामी भरती हैं या नहीं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या धूम 4 में विलन किसी हीरोइन को बनना चाहिए या फिर किसी हीरो को। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।